गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ IAS। तो यहाँ पे आप सबके लिए है बहुत बड़ी खुशखबरी। रीजन ये है कि हम ला रहे हैं एक बहुत ही अच्छी सीरीज जो आपके लिए बहुत यूनिक होने वाली है, पूरे यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगी। वो है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की, तो मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस की सीरीज। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे क्या पोस्ट इंडिपेंडेंस, कौन सी बहुत बड़ी बात है, सबने पढ़ा रखी, अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ा रखी, आप क्या कर देंगे। तो भाई ये है नितिन सांगवान सर के नोट्स जो मैं यहाँ पे बहुत ही शॉर्ट तरीके से, क्रिस्प तरीके से प्रेजेंट करने जा रही हूँ आपके सामने, क्योंकि उनके नोट्स इतने अच्छे हैं कि अच्छे अच्छे टॉपर्स भी इन्हीं को रिकमेंड करते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने के लिए कभी रिकमेंड नहीं करते हैं। वो कहते हैं इन नोट्स को आप शॉर्ट में पढ़ लीजिए, और इन्होंने सब कुछ इसका कवर कर रखा है। तो मेरे हिसाब से दीज आर द बेस्ट मटेरियल फॉर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, एंड आई सजेस्ट टू पीपल ऑल्सो, एंड नंबर ऑफ पीपल, बड़े बड़े टॉपर्स ने ही ये भी यही नोट्स को सजेस्ट किया है। क्या सर की मेहनत है, अच्छे तो होंगे ही होंगे, तो उनको क्रेडिट देते हुए हम इन नोट्स को आज कंटिन्यू कर रहे हैं, और ये हमारा पहला लेक्चर होने वाला है इसका। तो बताइएगा कि कैसा लगा, रिस्पॉन्स दीजिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा, मैं पूरी मेहनत करके इसके लिए पूरा आपके लिए लेकर आऊंगी। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। तो भाई आप देखिए, जैसे कि यहाँ पे ये इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस है, पहला लेक्चर है और इसे हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं। शुरुआत करेंगे भाई किस तरह से कि इंडिया जब आजाद हुआ तो उसके बाद कैसे क्या हुआ। ऐसा तो हुआ नहीं आजाद हुआ पीएम बन गया तुरंत 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 राज होने लग गया, तुरंत तुरंत सब कुछ चिल हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो हम थोड़ा सा बेस से समझते हैं यहाँ पे चीजों को, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको भी। सबसे पहले टॉपिक होगा वो है कॉलोनियल लेगेसी एंड इट्स फॉलोआउट। तो कॉलोनियल लेगेसी वगैरह तो ठीक है, लेकिन ये कॉलोनिज्म क्या है, ये कॉलोनी होती क्या है। देखिए कॉलोनिज्म और कॉलोनी ये सब समझिएगा कि कॉलोनी एक ऐसे कंट्री हो गई जो एक वीकर कंट्री, और उसे एक्सप्लॉइट किया जाता है एक स्ट्रॉन्गर कंट्री के द्वारा। क्यों एक्सप्लॉइट करते हैं, उस कंट्री के रिसोर्सेस के लिए, उससे प्रॉफिट अर्न करने के लिए। और इसीलिए वो छोटी छोटी बहुत सारी या बड़ी बड़ी बहुत सारी कंट्री को एक स्ट्रॉन्गर कंट्री अपनी कॉलोनी बनाती थी, और यही उस टाइम पे कॉलोनिज्म कहलाता था। तो यही बहुत सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज आप देखिए ना, आपके जो है पोर्टुगीज आए यहाँ पे, उसके बाद भाई ब्रिटेन ले लीजिए, यूएसए ले लीजिए, ऐसे बहुत सारी कंट्रीज थी जिन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग देशों को अपनी कॉलोनी बनाया, और इंडिया भी उनमें से एक था। साउथ अफ्रीका वगैरह था तो इंडिया भी उसमें से एक था। ऑलमोस्ट बहुत वर्ल्ड की बहुत सारी कंट्रीज इस तरह की थी। चलिए ये समझ में आता है। अब इसमें क्या करते थे, ये सिर्फ अपनी इकोनॉमी पे ध्यान देते थे, खुद के प्रॉफिट पे ध्यान देते थे। इन्होंने कभी भी जिस कंट्री को कॉलोनी बना रहे हैं उसके इकोनॉमी के बारे में नहीं सोचा, एकदम नेगलेक्ट करके रख दिया। अच्छा तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि करते क्या थे, बहुत ही पुरानी बातें हैं और आपके बाबा दादा पापा सभी बताते होंगे क्या करते क्या है कि भाई रॉ मटेरियल यहाँ से ले लिया, सस्ता रॉ मटेरियल ले लिया, और आखिरी में बना के फिनिश गुड्स बड़े ही बढ़िया चौपस मशीन गुड्स यहाँ पे बेच दिए, डंप कर दिए। ठीक है, चल रहा था। यहाँ के लोग भी नहीं परचेज कर रहे थे यहाँ का बना हुआ गुड्स, क्यों, क्योंकि उनको वो थोड़ा महंगा पड़ रहा था, हैंडमेड था महंगा पड़ रहा था, और मशीन गुड्स जो था वो चीप था। बट लेकिन यहाँ से जो रॉ मटेरियल ले रहे थे उसके कंपेरिजन में वो गुड भी हमारे लिए बहुत महंगा था। बट चूंकि हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज पे कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, और इनको कोई ऐसा जो है सब्सिडी वगैरह ही नहीं दी गई जिससे वो अपने प्रोडक्ट को सस्ता कर पाए, तो इसलिए भाई खुद भी सोचिए, जब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो जो चीज़ 10 की मिल रही है और जो चीज़ 15 की मिल रही है वो 10 वाली ही लेगा। तो यही यहाँ पे भी होने लगा। ठीक है, चलती रही चीजें। हमारे यहाँ की जो हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम इंडस्ट्री थी सब बर्बाद होने लग गई। क्यों, क्योंकि पहली चीज तो मुगल्स वगैरह का डाउनफॉल हो गया था, खत्म हो गए थे। तो इससे जितने भी आर्टिस्ट वगैरह थे उनकी जॉब यहाँ पे चली गई थी, तो एम्प्लॉयमेंट लेवल काफी हाई था। तो एक ये बात थी। दूसरी बात हुआ क्या कि जब इतने लेवल का इन लोगों को दिक्कत झेलनी पड़ गई, ये हैंडीक्राफ्ट वालों को, इन सारे को, तो इन लोगों ने यहाँ पे कहा कि भाई अब इसमें तो कुछ रखा नहीं है, तो ये सारे के सारे बढ़ गए कहाँ पे, एग्रीकल्चर की तरफ। और एग्रीकल्चर में कुछ यहाँ पे शेयर क्रॉपर्स बन गए, कुछ लेबरर्स बन गए। शेयर क्रॉपर्स मतलब इन्होंने कहा कि ठीक है पट्टेदारी वाला काम करते हैं कि भाई तुम अपनी जमीन दे दो, मैं काम कर दूंगा, और उसके बदले तुम हमको जो है थोड़ा बहुत जो देना लेना है वो कर लेना। तो इस तरह से करने लगे। अब जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज बढ़ भी रही थी वो भी इसमें भी पूरा कॉलोनियल इंटरेस्ट था, है ना, जो भी उनके ही मतलब के हिसाब से बढ़ रही थी। और ये इनकी ग्रोथ भी कुछ खास नहीं थी, बहुत ही बेकार, बहुत ही छोटे लेवल पे इनकी ग्रोथ हो रही थी। ये इवन जो पुरानी जो अर्थवाइल होम ग्रोन कॉटन इंडस्ट्रीज थी, हैंडलूम थी, हैंडीक्राफ्ट थी, उनको तक ये रिप्लेस नहीं कर पा रही थी। समझ रहे, चीज़ क्या
क्या थी, अब बताते हैं आपको। तो 1900 के पहले की बात है, जो 1900 के पहले जो कॉटन वगैरह था, ठीक है, यहाँ पे आप चलिए स्क्रीन पे आ जाइए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, यहाँ देखिए कॉटन वगैरह था, उसके साथ जो जूट वगैरह था, या भाई जो आपका टी है, चाय वगैरह, ये काफी पॉपुलर हुआ करते थे। लेकिन भाई अगर हम 1930s से पहले देखें, 1930s से पहले देखें, तो यहाँ पे सीमेंट, साथ में देखा जाए तो शुगर, उसके साथ जो है वो आपका पेपर, ये सब डोमिनेट करने लग गए थे, समझ रहे। तो ऐसा कुछ माहौल बदल गया था। और यहाँ पे दिक्कत इसलिए थी, हम इसलिए इतना बैकवर्ड थे बच्चों, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल टेक्नोलॉजी कैपिटल नहीं था, हमारे पास मशीनरी नहीं थी हमारे पास, और यहाँ पे जो भी हम लेते थे वो सारा का सारा हमें इम्पोर्ट करना पड़ता था। हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टाइप का नहीं था, समझे, सब कुछ हम इम्पोर्ट कर रहे थे, बाहर की उसी कंट्री पे डिपेंड थे जिस कंट्री की हम कॉलोनी थे। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन था कि हम बैकवर्ड थे। अच्छा, बाकी ग्रोथ वगैरह जो थी, ग्रोथ वगैरह भी काफी अनइवन थी, ऐसा नहीं था सब एक जगह एक जैसे सब कुछ चल रहा है, ग्रोथ काफी अनइवन हुआ करती थी। और मतलब कहीं पे बहुत अच्छा इलाका है, कहीं पे बहुत ही पिछड़ा है, तो इस तरह का कुछ मामला चल रहा था। अच्छा, जो आज की मॉडर्न, भाई उस समय जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज आई थी, ठीक है, इंडस्ट्रीज जो आई थी, वो सिर्फ और सिर्फ 8% इन्होंने नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करा है जब हमारा देश आजाद हुआ है, समझ रहे हैं, सिर्फ 8%। तो कितनी ज्यादा खराब हालत में इन्होंने छोड़ा था हमारे देश को। साथ में इलेक्ट्रिसिटी और बैंकिंग तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया था, होगा इलेक्ट्रिसिटी होगी बैंकिंग, कोई मतलब नहीं है, बहुत बुरी तरह से इग्नोर कर दिया, चलो हटो। अब देखिए यहाँ पे ध्यान ना देना, इतनी डिसएडवांस पोजीशन की वजह से क्या हुआ, क्या कि बहुत ही पुअर डोमेस्टिक सेविंग्स हुई। भाई हमारे पास क्या था कि जो हमारा आज हम कैलकुलेट करते हैं ना ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, उसका उस समय सिर्फ 3%, सिर्फ यहाँ समझिए, यहाँ सिर्फ 3% जो है वो सेविंग्स थी उस समय जब इंडिपेंडेंस हमने पाई है तो। और आज से अगर हम कंपेयर करें तो 33% है, 33%। तो भाई कितना डिफरेंस था, आप समझ रहे हो, बिल्कुल ही हम गए गुजरे थे। इवन जो छोटी मोटी सेविंग्स थी वो भी कह सकते हैं कि भाई वो मिस अप्रोप्रिएट करी जाती है बाय द कॉलोनियल रूलर्स इन द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव स्पेंडिंग के तौर पर। अब 1890 से लेके 1947 तक, 1890 से लेके 1947 तक मिलिट्री में पता है कितना खर्चा करा गया, 50%, 50% मिलिट्री पे खर्चा कर दिया गया, 50% टोटल बजट था सरकार का। क्यों? क्योंकि यही लड़ने में जो सब कुछ गवाया है इन्होंने। स्टेट का जो सपोर्ट था इंडस्ट्रीज को उस समय, जो स्टेट इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करती थी वो था 0, इन कॉन्ट्रास्ट टू मोस्ट ऑफ द यूरोपियन कंट्रीज एट दैट टाइम। फ्री ट्रेड एस्टैब्लिश करा गया था इंडिया के साथ में, नो टैरिफ प्रोटेक्शन वॉज गिवन प्लेजिंग इंडियन इंडस्ट्री विच वॉज डन एग्रेसिवली एट होम। भाई क्या हो रहा है आज की डेट में, आपने सुना प्रोटेक्शन देते हैं कैसे सरकार देती है, भाई यहाँ पे जो गुड्स इम्पोर्ट हो रहा है, सपोज करिए एग्जाम्पल देती हूँ कि स्टील है, मान लो कि स्टील बाहर से आज की डेट में हमारे यहाँ 110 रुपये में आ रहे हैं, और हमारे यहाँ वो स्टील 140 रुपये में बिक रहा है, ठीक है, हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्री है वो स्टील को 140 रुपये में बनाती है, और जो बाहर से स्टील आता है वो 110 रुपये में आता है। तो सरकार क्या करती है कि 30 रुपये एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है उस पर्टिकुलर स्टील पे, सो दैट उसके भी रेट हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज के बराबर ही हो जाए। तो इससे ये बेनिफिट होता है कि हमारे यहाँ की जो इंडस्ट्रीज हैं वो यहाँ पे डिक्लाइन नहीं होती, उनको लॉस नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि बाहर की कोई कंट्री का स्टील सस्ता मिल रहा है हमें, क्योंकि भाई बाकी तो सब 110 वाले की तरफ भागेगी और हमारे यहाँ की तो पीछे रह जाएंगे। तो आज की डेट में ये होता है, पहले क्या था, कुछ ऐसा नहीं था, जो आ रहा है आंधे 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 इम्पोर्ट कर लेते थे बाहर से, अपने यहाँ का तो जा ही रहा है आसानी से, वहां से भी कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जा रहा है इंडस्ट्रीज को, वहां से भी आसानी से आ रहा है। तो भाई ये था। और करेंसी पॉलिसी का क्या है, ये तो पूरी तरह से मैनिपुलेटेड कर थी कॉलोनियल फेवर में, जो भैया चाहे उन्हीं के फेवर में काम होता था, तो भाई हमारे यहाँ का तो कोई वैल्यू रही नहीं गई थी। फर्दर आगे चलते हैं, बात करते हैं टैक्स स्ट्रक्चर के बारे में। तो टैक्स स्ट्रक्चर भी बड़ा ही अजीब था, अजीब ये कि हमेशा से ही बेचारे किसान झेले हैं और तब भी झेलते थे, पीजेंट्री को बहुत ज्यादा बुरी तरह से हैवी टैक्स कराया जा रहा था उस समय, बहुत ही ज्यादा, और अपर क्लास लाइक ब्यूरोक्रेट्स वगैरह, लैंडलॉर्ड्स वगैरह एक्सेट्रा, ऐसे जो लोग थे वो शायद ही जो है वो टैक्स पे करते हैं, मतलब बड़े टैक्स नहीं पे कर रहे, जिनके पास पैसा है वो टैक्स नहीं पे कर रहे, जो बेचारे नहीं है, जो बर्बाद है, जिनके पास पैसा नहीं है, दाने दाने को तरस नहीं है, वो टैक्स यहाँ पे कर रहे हैं।
ये एक बहुत बड़ी जाति थी। 1900 की बात है, सन 1900 में लैंड रेवेन्यू ने ही अकेले अकेले कंट्रीब्यूट करा है 50% सरकार के रेवेन्यू का। समझ रहे हैं, सरकार ने 100 रुपए कमाया तो लैंड रेवेन्यू से 50 रुपए उनको मिला था। तो समझ रहे हैं इस चीज को, कितनी बुरी तरह से एग्रीकल्चर के पीछे पड़ गए थे, फार्मर के पीछे पड़ गए थे। अब भैया फार्मर आधा पैसा टैक्स ही में दे देंगे जब इतना सारा, तो करेंगे क्या, कहाँ से लाएंगे बीज, कहाँ से लाएंगे मॉडर्न टेक्नोलॉजी। पर यही क्या हुआ कि भाई एग्रीकल्चर रुक गया, इतना खराब रहा कि भैया खाने के वांदे होने लगे। हाँ, अब क्या हुआ, मनी लेंडर्स, लैंडलॉर्ड्स और जो मिडिल मैन थे, इन्होंने ऐसी सिचुएशन बना दी जो बिल्कुल ही बेकार थी, बहुत ही घटिया सिचुएशन इन्होंने बना दी। इन्होंने भी काफी जो एक्सप्लॉटेशन था शेयर क्रॉपर्स का, ऐसे पट्टेदार जो होते हैं उनका, जो किराए पे है काम कर रहे हैं टेनेंट्स उनका या लेबरर्स वगैरह का, बहुत ही ज्यादा इन्होंने बर्बाद कर दिया। कैसे, अभी क्या कर रहे थे, एग्रीकल्चर में अपना जो है इन्वेस्टमेंट करे दे रहे थे और इन लोगों को एक्सप्लॉयट कर रहे थे, इनसे पैसा ले लेके। उस समय अच्छा अनपढ़ भी थे, इलिटरेसी भी इतनी ज्यादा लेवल की थी कि इन लोग को भी समझ नहीं आता था, जहाँ पे भी ठप्पा लगा दिया, जहाँ पे भी अंगूठा लगा दिया, बस तुम हो गए हमारे। तो ये इन लोगों ने सबने मिलकर बहुत बुरी तरह से पीजेंट्स को करा बदनाम, मतलब बर्बाद। अभी मैं बताऊं तो उस समय के अगर टाइम से सोच के देखा जाए ना तो आंसू निकल आएंगे, इतनी बुरी तरह से, इतनी बुरी खराब हालत कर दी थी। आज की हालत मिलाइए आज से 70 साल पहले और पहले कितनी बुरी हालत होगी। मैंने बताया जैसे कि इतनी बुरी हालत कि फूड सिक्योरिटी, भैया कि जनता को खाना खाने के लिए तक एग्रीकल्चर नहीं हो पा रहा है, इतना प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है, और इनको कोई मतलब नहीं। क्यों मतलब होगा भैया, हमारे यहाँ की जनता थोड़ी ना, हमारे यहाँ के तो लोग खा ही रहे हैं उनके हिसाब से। अच्छा, इंडिपेंडेंस के टाइम पे आपको बताती हूँ, 70% जो लैंड थी ये लैंड होल्डर्स के पास थी, और लैंडलेसनेस जो थी वो सबसे ज्यादा थी, मतलब जो जिनके पास जमीन नहीं थे उस समय का सबसे ज्यादा हाई लेवल था ऑफ 28% एट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। और लैंड होल्डिंग्स हैड फ्रेगमेंटेड इंटू अन इकोनॉमिकल साइजेस। अब मामला क्या है, आपने कभी देखा हो कोई भी बड़ा देश होता है तो उसके अंदर बहुत ही बड़े लैंड होल्डिंग्स होती हैं। आज हमारे देश में ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत आती है कि हमारे पास छोटे छोटे जो है वो फार्मर्स हैं, उनके पास छोटी छोटी लैंड है, छोटी छोटी लैंड में कुछ भी उगाना ये इतना नहीं हो पाता कि वो उगाए उसके बाद उसको बेच सकें। और बड़ी लैंड्स में क्या होता है कि एक साथ उगाया, अब या कोई कंपनी भी ले लेती है उस इतने बड़े प्रोड्यूस को, या भाई वो कमा के अपने घर के लिए रख के उसके बाद बेच भी सकते हैं। तो ऐसे उस टाइम पे क्या था कि बहुत ही अनइवनली कटिंग हुई थी लैंड है, मतलब जिनके पास है उनकी बहुत छोटी, और जो बड़े हैं जो पैसे वाले हैं उनके पास इतनी बड़ी बड़ी है कि भैया वो देख रहे हो जहां तक वहां तक हमारी जमीन गई हुई। तो ये एक बात थी। अच्छा, बेटर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जैसे कि रेलवे की अगर मैं बात करूं तो वो डेवलपमेंट के लिए नहीं थी, मतलब अगर ये रेलगाड़ी छुक छुक लेकर आ गए पूरे इंडिया में तो इसलिए नहीं लाए कि इंडिया को डेवलप करना चाहते थे, बस इसलिए चाहते थे कि दूर दराज तक पहुंच जाए और वहां से किसी तरह से जो है वो रॉ मटेरियल गांव इलाकों से, इन सब फील्डों से रॉ मटेरियल निकालना है। मतलब अपना था साहब कि हम वहां से इसको बस एक्सप्लॉयट करें, एक्सप्लॉयट करें, एक्सप्लॉयट करें इस कंट्री को, और वहां से ये नहीं कि जनता इधर से उधर जाए, कुछ नहीं, ये कि भाई सामान आ जाए और पैसा मिल जाए, ये इनके दिमाग में था। रेलवे फ्रेट इतने ज्यादा थे, डिस्क्रिमिनेटरी थे यहाँ पे कि मतलब इंटरनल मूवमेंट गुड्स और यहाँ पे हो ही नहीं सकता था। भाई अगर हम ये कहें कि यहाँ से भाई आपस में एक जगह से दूसरी जगह में गुड्स भेजना है रेलवे के थ्रू, तो वो तो बड़ा ही ज्यादा अजीब था। जो चीज यहाँ पे अंग्रेज लेके एक्सपोर्ट करने के लिए 5 रुपए की करते होंगे, वो अगर इंटरनली आप करवाने जाओगे तो जरा से डिस्टेंस का 20 रुपए मांग लेंगे, तो जितना आप कमाओगे उससे ज्यादा दोगे तो है नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन ये लोग करते थे रेलवे में। और ये भी था कि भैया इंडियंस के लिए अलग है, फॉरेनर्स के लिए अलग है, मतलब जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए अलग है चीजें, तो बहुत डिस्क्रिमिनेशन था। और इंडिया ने बहुत सारी ऐसी फेमिनिज झेली, भुखमरी हमारे यहाँ बहुत आई, इतनी अच्छी कनेक्टिविटी होने के बावजूद, इतनी अच्छी रेलवे कनेक्टिविटी होने के बावजूद हमने इतनी भुखमरी झेली। तो आप जानते हैं ना हिस्टोरिक फेमीन, बंगाल फेमीन कोई नहीं भूलेगा उस वक्त का, खासकर आज तक ये हमारे जड़ों में बसा है। 1943 में बंगाल फेमीन आया था जिसकी वजह से 30 लाख मौतें हो गई थी, 30 लाख मौतें, जस्ट इमेजिन कि खाने भुखमरी की वजह से इतने लोग मर गए। ये तो एक ऑफिशियल डेटा है बच्चों, अगर पता नहीं उस समय कितना हुआ होगा, क्या हुआ होगा। एक दूसरा बैकवर्डनेस का हॉलमार्क है कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा लेवल की रूरल पॉपुलेशन बहुत हाई थी, गांव में रहने वाले लोग बहुत ज्यादा थे, जो 80% थे उस समय जब हमारा देश आजाद हुआ था।
और साथ में जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंसी थी, हम जो डिपेंड कर रहे थे एग्रीकल्चर पे, वो 67% से बढ़ के 67% 1901 में था, वो बढ़ के वहाँ पे 70% से भी ऊपर हो गया था 1947 में, जब देश हमारा आजाद हुआ था। तो जस्ट इमेजिन कि कितने लोग पहुंच के एग्रीकल्चर में चले गए। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे मैं आपको बताती हूँ कि मान लीजिए एक जमीन है, ठीक है, अब जमीन का एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, इस एग्जाम्पल लेते हैं मशीन का, ठीक है। अब एक मशीन है, उसको चलाने के लिए जो है चार बंदे चाहिए, तो वो बड़ी आसानी से चलेगी। अब एक बंदा उस पर काम करता है, तो बंदे कम है ना, तो अच्छा प्रोडक्शन नहीं हो रहा। अब दो बंदे उस पर काम करने लगे, ठीक है, प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ा। तीन बंदे काम करने लगे, प्रोडक्शन थोड़ा और बढ़ा। चार बंदे काम करने लगे, प्रोडक्शन अपनी पीक पे पहुंच गया, बहुत अच्छे से प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन उस पर पांच बंदे काम करने लगे, अब प्रोडक्शन जहां था वहीं रहा। उस पर छह बंदे काम करने लगे, प्रोडक्शन जहां था वहीं रहा। अब उस पर सात बंदे काम करने लग गए, तो भाई अब ये लॉस वाली सिचुएशन आ रही है कि नहीं आ रही है, कि प्रोडक्शन नहीं है, बंदे बढ़ाते जा रहे हो, तो एक्स्ट्रा काम हो गया, कि ये तो वही काम हो गई कि एक शॉप के अंदर अगर किसी सेल्समैन की तीन सेल्समैन की जरूरत है और वहां पे आठ डाल दो, तो भाई तीन ही की तो जरूरत है, आठ डाल दोगे तो एक तरीके से शॉपकीपर को लॉस है ना। सेम ये एग्रीकल्चर में होने लगा, सेम एग्रीकल्चर में होने लगा कि जिस फील्ड में एक भाई बाप बेटा कर लेते और कमा लेते, उसमें बाप बेटा चाहता भतीजा मौसा मौसी सबके लड़के आके काम करने लग गए। तो क्या हुआ कि उसी जगह पे, उसी एग्रीकल्चर लैंड पे इतना बोझ हुआ कि इन लोगों के साथ भी लॉस होने लगा। तो ये आप समझ रहे क्या। दूसरा, अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो मेन होता है लिटरेसी। तो अगर कोई एजुकेटेड इंसान है, चीजें अच्छे से कमा सकता है, कहीं और जा सकता है, अपना बिजनेस कर सकता है, लेकिन एजुकेशन बहुत ही पीछे थी देश में, एजुकेशन तो बहुत पीछे थी, ये बहुत इतनी अंडरडेवलप थी, टेक्निकल एजुकेशन जो है वो बहुत ही खराब थी, कोई सोच ही नहीं पाता था इस फील्ड में। इवन जो 7% जो 7 इंजीनियरिंग कॉलेजेस थे जब इंडिपेंडेंस के टाइम पे, जब हमारा देश आजाद हुआ है, तो 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। तभी आपने सुना होगा, आपने पापा पापा कहते होंगे कि भाई इंजीनियर की उस समय बड़ी वैल्यू हुआ करती थी, आज की तरह नहीं इंजीनियर करके एमबीए कर रहे हैं। उस समय इंजीनियर साहब है हमारे दामाद, तो मतलब दहेज के बिल्कुल लगा देते थे उस समय, क्या आज तो दहेज भी और इंजीनियर भी दोनों को पीछे रखा है, ठीक है, और ये सही भी है, इंजीनियर वाला नहीं होता, दहेज वाला तो सही भी। तो सिर्फ 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे उस वक्त, जिस वक्त हमारा देश जो है वो आजाद हुआ था। इसी तरह से अगर हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें, तो ये भी बहुत ही ज्यादा खराब थे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 मेडिकल कॉलेजेस थे 1947 तक, 10 मेडिकल कॉलेज, कुछ होते हैं ये, बिल्कुल है। एपिडेमिक्स तो ऐसी बात थी कि होते ही रहते, किसी कभी किसी एरिया में भाई यहाँ पे ये तो फैल गया है, हैजा फैला है, ये फैला है, वो फैला है, इतने लोग मरे जा रहे हैं, उसमें किसी को कोई फिक्र ही नहीं, हेल्थ की तो कोई चिंता थी ही नहीं, जो हो रहा है होने दो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हार्डली 30 ईयर्स थी, 30 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी, मतलब हमें कितना पीछे कर दिया, एक सोने की चिड़िया को एकदम उड़ा दिया था, इतनी बुरी हालत कर दी थी। जो एजुकेशन का मीडियम था वो था इंग्लिश, अब इंग्लिश था तो भाई पूरे कंट्री में इंग्लिश था, हर इंसान को इंग्लिश थोड़ी ना आती है भैया, है ना। इतना जो डेवलपमेंट होना चाहिए था लोकल लैंग्वेजेस का, क्योंकि हमारा देखिए देश बहुत डाइवर्स था, भारत तभी भी भारत तो था नहीं, अलग अलग जगह से बाद में भारत बना है ना, तो अलग अलग जगह पे अपनी खुद की लैंग्वेज, खुद का कल्चर, खुद का सब कुछ था। अब सिर्फ इंग्लिश ले आए उस समय, तो जो वहाँ की लैंग्वेज है, वहाँ की लोकल लैंग्वेज है, वो तो दब गई ना भाई, उसका तो बिल्कुल कोई वजूद ही नहीं रह गया। ये चीज़ थी, और इससे क्या हुआ कि एक एजुकेटेड इंटेलिजेंशिया माइनॉरिटी का और एक अनलिटरेड मासेस की वजह से क्या हुआ कि भाई सोशल डिवाइड क्रिएट हो गया। कुछ लोग तो ऐसे थे कि कुछ छोटी मात्रा, माइनॉरिटी क्यों वर्ड यूज करा गया है, कि बहुत ही कम लोगों को ऐसा अंग्रेजी वगैरह आती थी उस वक्त, तो बहुत ही कम लेवल पे एक ये कह सकते हैं इंग्लिश वाले, और इतने इतना जो है मासेस जो जिनको पता ही नहीं है अपनी खुद की लैंग्वेज, किसी का खुद का सब कुछ चल रहा है, उनको नहीं जाता सब कुछ, तो इससे सोशल डिवाइड भी हो गया कि ऑन माय गॉड यू डोंट नो इंग्लिश, ओ गॉड शी पुअर पीपल, तो ये सब होने लगा हमारे सोसाइटी के अंदर। अच्छा, अब ये भी क्या हुआ कि भाई देखिए मास एजुकेशन और गर्ल्स एजुकेशन वो बिल्कुल ही नेग्लेक्ट करती गई। कुछ हमारे थे जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी की, उन्होंने काफी कदम उठाए हैं, ऐसा भी नहीं कहा जाएगा, लेकिन अगर हम ओवरऑल पिक्चर देखें तो उनके कदम जो उठाने में थोड़ा बहुत बढ़ा वो बढ़ा, बाकी गर्ल्स एजुकेशन वगैरह या आप कह सकते हो बहुत बड़े लेवल पे एजुकेशन वगैरह बिल्कुल ही, आप आज की डेट में देखो ना 70 साल 75 साल बाद अगर हम ये चीज देख रहे हैं, तो आप ये खुद सोचो कि उस समय क्या हालत रही होगी, कितनी बुरी हालत रही होगी, कि भैया जब उस समय इलेक्शन हुए थे बाद में, तो उस समय औरतों के नाम नहीं थे, वोटर आईडी में नाम ही नहीं पता था, वो हाथ पे गुदवाए हुए थे अपने आदमी का नाम, तो ऐसे करके दिखाना पड़ता था, तो सही नाम भी नहीं बताती थी,
तो इतना बुरा था, तो सोचिए एजुकेशन की हालत क्या रही होगी, समझ रहे हैं। 1947 तक करीब 50% जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो इंडियंस थे, बट जो टॉप पोजीशन थी वो स्टिल अभी भी नॉन इंडियंस के हाथ में थी। ये तो हमने पढ़ी है मॉर्निंग हिस्ट्री में, अगर आपने मॉर्निंग हिस्ट्री पढ़ी नहीं पढ़ी है तो स्टे ट्यून्ड, मैं लॉन्च करने जा रही हूँ इसी तरह से वो भी। तो जो 50% ब्यूरोक्रेट्स थे वो इंडियंस थे, बट जब ऊपर वाली पोस्ट में नहीं हो तो तुम रहते रहो, 50% कोई मतलब नहीं था, ऊपर वाली पोस्ट में नॉन इंडियंस थे। और ब्यूरोक्रेसी वॉज रिप्लीड विद एलीट क्लास, ये सब बड़े आदमी और कास्ट के साथ, बड़े बड़े जो कास्ट थी उसी कास्टों के हाथ में सब कुछ था। और एक यही एक मेजर चैलेंज था कि इंडिपेंडेंस के बाद जो है वो काफ़ी जो है चेंज करना चीज़ों को बड़ा ही दिक्कत हो गया था, क्योंकि नीचे वर्ग का कोई आदमी ऊपर देखने को नहीं मिला था, बड़ी बड़ी कास्ट के बड़े बड़े लोग थे, तो एक ऑब्वियस बात है अगर गद्दी पे बैठा है कोई बड़ी कास्ट का तो बड़ी कास्ट को देखेगा ना, नीचे वाले को क्यों उठाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में तो ऑलरेडी भरा हुआ है अनटचेबिलिटी, ये वो फलाना पकड़। तो इन सब चीज़ों से, इन चीज़ों की वजह से यहाँ पे जो है वो ये देखने को मिला, काफ़ी कंजर्वेटिव आउटलुक था इंडिपेंडेंस के बाद भी, यही वजह थी। हालांकि आईसीएस ऑफिसर जो थे, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विस, इसके ऑफिसर जो थे वो लार्जली अपराइट थे, लोअर लेवल ऑफिसर जो है वो नोटोरियसली करप्ट थे, करप्शन तो एकदम ऊपर पहुंच चुका था, भ्रष्टाचार एकदम था, एकदम हाइट पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, क्योंकि सरकार कोशिश कर रही थी किसी तरह से अपना कंट्रोल बढ़ा दे टैक्सेस पे। आप जानते हैं वर्ल्ड वॉर जो हमारी सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई है उसके बाद तो चीज़ें और ज़्यादा खतरनाक हो गई थी, क्यों बर्बाद हो गई थी, सरकार ने पैसे को इकट्ठा करने के लिए टैक्सेस का रेट और बढ़ाने की कोशिश करी, उसे और कंट्रोल करने की कोशिश करी, और इसके लिए इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया था कि बिल्कुल देश की एकदम बिल्कुल बैंड बच चुकी थी पूरी तरह से। और इससे क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग होने लगी, करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा, यहाँ पर कुछ पॉजिटिव फीचर्स भी हैं कॉलोनियल रूल के, ऐसा नहीं है सब कुछ नेगेटिव है, कुछ पॉजिटिव भी है, जैसे कि कम्युनिकेशन मीन्स वर वेल डेवलप्ड, कम्युनिकेशन मीन्स अच्छे से डेवलप हो गए थे, जो इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास था वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था, ये आपका 1914 के बाद काफ़ी ज़्यादा कैपिटलिस्ट बढ़ गए थे, एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर ज़्यादातर 60% से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है वो ड्रिविन थी बाय इंडियन कैपिटल, ठीक है, अच्छा खासा लोग इन्वेस्ट करने लगे थे इंडस्ट्रीज में। तो ये कुछ एक फायदा था, क्योंकि जैसे देखा वैसे समझा, अब उन्होंने इतने साल देखा कि भैया मशीन मेड गुड्स चल रहे हैं तो कुछ बात नहीं, उन्होंने फिर उस चीज़ को यहाँ पे अपनाना शुरू करा, तो थोड़ा बहुत ही अच्छाई भी देखने को मिल रही थी इसके अंदर। और इंडियन कैपिटलिस्ट क्लास जो था वो ज़्यादा जो है वो इंटरप्राइजिंग था, उसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक मजबूत कदम उठाए थे 1914 के बाद, 1914 के बाद, ठीक है। इसी तरह से देखा जाए तो इंडियन कैपिटल जो है इसने काफ़ी अच्छा जो है वो यहाँ पे सिग्निफिकेंट इनरोड करा इन बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में भी, बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर में भी हमने काम करा। और कॉलोनियल रूल ने आगे जो है इस्टेब्लिश करा एक मॉडर्न प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ आज भी है, रूल ऑफ लॉ को स्टैब्लिश करा गया एंड जुडिशरी को भी करा गया, जुडिशरी रिलेटिवली इंडिपेंडेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट जुडिशियल सिस्टम वॉज एक्सपेंसिव एंड डेट्रीमेंटल टू द पुअर। देखिए ये बात तो थी जो आज भी है, लेकिन आज हमें फ्री लीगल एड वगैरह के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया हुआ है चीज़ें, उस समय गरीबों के लिए जुडिशरी का न्याय पाना और न्यायालय तक पहुँचना बड़ा ही मुश्किल था, लेकिन यहाँ पे ये था कि हाँ जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट रोल यहाँ पे अभी निभाने लग गई थी, चीज़ें ऐसी थी। फर्दर देखिए, लॉन्ग टाइम जुडिशियल और जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे वो सेपरेटेड नहीं थे, और ब्यूरोक्रेसी वील्डेड इनॉर्मियस पावर। खैर यहाँ पे जो है लंबे वक्त तक ऐसा रहा कि जुडिशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो हैं वो सेपरेट नहीं रहे, और ब्यूरोक्रेसी के पास अच्छी खासी पावर थी, ऐसा नहीं था कि ब्यूरोक्रेट्स के पास पावर नहीं थी, तो बाद में इतना कुछ डिवाइड कर दिया गया, लेजिस्लेटिव इधर, एग्जीक्यूटिव इधर, फिर उसके बाद जो है आपका जुडिशरी एकदम ही यहाँ अलग है ना, तो उस समय लेकिन ब्यूरोक्रेट्स के पास अच्छी खासी पावर थी, बहुत सारी लिबर्टीज जो है वो एक्सटेंड करी गई, और प्रेस को भी यहाँ पे मॉडर्नाइज करा गया। तो ये चीज भी थी कि जो है जो मीडिया है, प्रेस है, उसे भी मॉडर्नाइज करा गया था। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को भी स्टार्ट करा गया था 1857 के बाद, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी आने लग गए थे, जैसे आपने भाई देखा था कि इतने सारे नए नए गवर्नमेंट एक्ट आए, उसके बाद आपका बहुत सारे ऐसे एक्ट आए हैं 1957 के बाद, जब क्राउन ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया है, तो ठीक है। अब यहाँ पे कैसे रियल पावर कॉलोनियल पावर के पास थी, सिर्फ 3% जो इंडियंस थे वो वोट कर सकते थे। अब यहाँ पे समझिएगा, बाय 1919 ओनली 3% इंडियंस वर अलाउड टू वोट, ठीक है, एंड जस्ट 15% बाय 1939, सिर्फ ये आंकड़ा बढ़ के 15% हुआ था सर 1939 तक, ठीक है, 1939 तक
जो है सिर्फ ये 15% आगरा बढ़ा था, और ब्रिटिश जो है ब्रिटिश ऑल्सो लेड एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया एंड थ्रू अ यूनिफॉर्म एजुकेशनल जुडिशियल एंड सिविल स्ट्रक्चर दे अचीव्ड यूनियन ऑफ इंडिया. इन्होंने क्या करा, एक जैसा, देखिए ना, हर जगह से इन्होंने कहा एजुकेशन की बात करी एक जैसे सब जगह कर दो, ठीक है, जुडिशियल की बात करी एक जगह कर दो, ठीक है, सिविल स्ट्रक्चर की बात करी एक जैसा कर दो. तो इससे इन्होंने कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि यूनियन ऑफ इंडिया जो है बनाने में हमारी मदद करी है, यूनिफिकेशन करने में हमारी इतनी सी मदद करी है. बट अगर यहाँ पर देखें तो ये इन्होंने भाई डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी भी खेली है. ये तो गलती से हो गया, ये तो गलती से हो गया कि भैया ठीक है हम एक ही बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि ये सब पे अलग अलग ध्यान ही नहीं देना चाहते थे. कौन जाए इस जगह पे ध्यान दे, कौन जगह इस कल्चर की सुने, कौन जाए उस बंदे की सुने, इससे अच्छा है जो अपना ला रहे हो वो सब पे थोप दो. लेकिन इसको हम नाम दे देते हैं कि भैया थोप दिया तो चलो यूनिफाई कर दिया. लेकिन इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बहुत अच्छे से खेली. इन्होंने कहा भैया तुम अलग हो जाओ, वही वाली बात कि गठरी एक साथ है तो नहीं तोड़ पाओगे, अलग अलग है तो तोड़ दोगे. और हमारे यहाँ की सबसे एक खास बात रही है हमेशा से ही, आज भी देखने को मिलती है, कि हम बड़ी जल्दी बहक जाते हैं. किसी ने कहा कि भाई भाई तुम्हारा बेकार है उसके लिए भी बहक गए, तो वो तो फिर गद्दी पाने के लिए उन्होंने देखा, दिमाग लगाया, दिमाग चलाया और कहा भाई भाई अलग हो जाओ, तुम्हें अलग किया उसके बाद तुम्हारी ही काट कर. तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने बहुत अच्छी खेली है. और ये ही रहा कि भाई इतना ज्यादा कम्युनलाइजेशन बढ़ गया. आपने देखा था पहले इतना ज्यादा नहीं था, हिंदू मुस्लिम इतना नहीं था, 1920s में भी इतना नहीं था, ये बाद में बढ़ के इतना ज्यादा इन्होंने अंदर भर गया. कम्युनल जैसे अपने डॉक्टरेट भी लेकर आ गया, ये भी कर दिया वो भी कर दिया. तो भाई इससे ये हुआ कि फिर मन में आने लगा कि अब हमें अलग चाहिए, सब कुछ अलग चाहिए. तो ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी इनके कुछ सालों के चक्कर में आज तक वो चीज हमारे यहाँ से नहीं हटी है, ठीक है. अब कुछ महीने पहले की बात है अपनी डेथ के, ठाकुर रविंद्रनाथ ने यहाँ पे लिखा था 1941 में, द व्हील्स ऑफ फेट विल सम डे कंपेल द इंग्लिश टू गिव अप देयर एम्पायर, बट व्हाट काइंड ऑफ इंडिया विल दे लीव बिहाइंड, व्हाट स्टार्क मिसरी व्हेन द स्ट्रीम ऑफ दिस ऑफ देयर सेंचुरीज एडमिनिस्ट्रेशन रन ड्राई एट लास्ट, व्हाट अ वेस्ट ऑफ मड एंड फिल्थ विल दे लीव बिहाइंड देम. क्या कर रहे हो भाई, बहुत ही खूबसूरत बात कही कि आज जो तुम कर रहे हो, जब तुम जाओगे तो तुम क्या छोड़ के जाओगे, क्या छोड़ के जाओगे इस देश के अंदर. बस कुछ आम शब्दों में इतनी सी बात है. और आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, फर्स्ट लेक्चर है, तो कुछ कमी वगैरह कुछ भी अगर रह रही है, कोई दिक्कत रह रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. आगे के लेक्चर्स में आई विल ट्राई टू इम्प्रूव, बट मैंने सोचा कि मैं बेस्ट टू बेस्ट प्रेजेंट करूँ. तो आइए, थैंक यू सो मच. कुछ ही पे भी फॉलो करना है, मुझे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हर जगह का. ज्वाइन कर सकते हैं मेंबरशिप को और ज्वाइन लिंक को प्रेस करके. तो भाई यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, सब कुछ दिया हुआ है और यहाँ पे ज्वाइन बटन भी है, ठीक है. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन, हैव अ वंडरफुल डे, टेक केयर.